सर अब तक तो पूर्वी को आ जाना चाहिए था। कहीं हम लोगों ने उसे मुसीबत में तो नहीं डाल दिया? सचिन, इस तीतर की जरा फोटो ले लो। सर इसकी फोटो मैंने ब्यूरो भेज दिया सर। आदमी गड़बड़ लगता है, इसी बिल्डिंग में रहता है ना? हाँ सर, किराए पे रह रहा है एक महीने से। पूर्वी अभी तक आई क्यों नहीं? सर मैसेज आ गया, ये आदमी बहुत पहुंचा हुआ खिलाड़ी है सर, और ये सुपारी किलर भी है। तो कहीं ये भी तो मकरंद को मारने के चक्कर में नहीं है? ये तो मकरंद की गाड़ी है। पूर्वी कहाँ रह गई? सर मैं उसे फोन करती हूँ। सर पूर्वी का फोन बंद है। बंद है? कौन है तुम लोग और मुझे कहाँ ले जा रहे हो? दिमाग खराब हो गया तुम लोग का? दिमाग तो खराब हो ही गया मैडम, नहीं तो एक सीआईडी ऑफिसर को किडनैप नहीं करता। ये क्या बकवास कर रहे हो? तुझे क्या, मैं बेवकूफ नजर आता हूँ? मुझे नहीं पता कि तूने मेरी सोसाइटी में वो फ्लैट क्यों ले रखा था। मुझ पर नजर रखने के लिए, समझी? देखिए, आप लोग से कुछ गलती हो गई है। मैं कोई सीआईडी ऑफिसर नहीं हूँ। मैं तुझे बताऊँ, तुझे ये चोट कैसे लगी? बताऊँ? पहचान तो मैं तुझे उसी दिन गया था। उस दिन तो तू मेरी गोली से बच गई, लेकिन आज तुझे कौन बचाएगा? एक जैसी दो गाड़ियां और दोनों गाड़ियों का नंबर भी सेम। अरे ये दोनों गाड़ियां अलग अलग रास्ते पे चली गई। ये वाला रास्ता तो वापस बिल्डिंग की तरफ जाता है, इधर गए होंगे। हो रही गाड़ी, सर गाड़ी में तो कोई नहीं है। लेकिन गाड़ी तो वही है, नंबर प्लेट वही है। सर ये गाड़ी तो हमारी आंखों के सामने ही थी, फिर मगर तो पूर्वी गए कहां? चुपचाप मेरे साथ चल और जरा सी भी होशियारी करने की कोशिश मत करना, वरना गोली मार दूंगा। तुझे नहीं, उसे जो बीच में आएगा, समझी? जल्दी चल।
चल बटन दबा। चल अंदर अंदर चल चल अंदर। लिफ्ट अभी अभी ऊपर गई है। ए साहब कौन गया अभी ऊपर? मकरंद गया क्या? जी 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 साहब। माय गॉड, वो 19 माले वाली लड़की भी थी साथ में? हाँ साहब, हाँ हाँ थी। सर वो दूसरी लिफ्ट बंद है। दूसरी लिफ्ट बंद है? श्रेया पंकज एक काम करो, सीढ़ियों से जाओ जल्दी, देखो जाके। लगता 20वें माले पे ही जाके रुकेगी। एक सीआईडी ऑफिसर को किडनैप करने का जुर्म किया है तुमने। तुम बच्चों के नहीं, मेरे साथी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मुझे पकड़कर वो करेंगे क्या? उन्हें सबूत चाहिए होगा, यानी तुम्हारी लाश। अपने अपार्टमेंट में ले जाकर मैं तुम्हारा खून कर दूंगा और लाश को ऐसी जगह छुपाऊंगा कि तुम्हारे साथी तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाएंगे, समझे तुम? अब चुपचाप खड़े रहो यहां। ये लाइट को क्या हो गया? ए, क्या कर रही है ये? गन इधर दे, गन दे, गन दे मैंने कहा। अठारह लिफ्ट के अंदर गोली चली। लिफ्ट तो तेजी से नीचे आ रही है। सर कहीं पूर्वी? माय गॉड, घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत ही जल्द इन्हें होश आ जाएगा। कैसा लग रहा तुम्हें? मैं यहां कैसे आ गई? पूर्वी, तुम हमें लिफ्ट में बेहोश पड़ी मिली थी और तुम्हारे साथ मकरंद की भी लाश थी उस लिफ्ट में। मकरंद मर गया? मकरंद को जान से मारने की क्या जरूरत आ पड़ी थी पूर्वी? बताओ पूर्वी। पर सर, मकरंद ने तो पूर्वी को किडनैप किया था।
सॉरी सर। बताओ पूर्वी, क्यों मारा तुमने मकरंद को? सर, सर वो मुझ पर गोली चलाने वाला था सर। जब मकरंद ने तुम पर गोली चलाई? सर मुझे कुछ याद नहीं। तुमने उसे गोली मारी, इतना तो याद है तुम्हें? नहीं सर, सर मुझे कुछ भी याद नहीं। पूर्वी, तुम्हें मकरंद के साथ उस लिफ्ट में जाते हुए देखा गया है। उस वक्त तुम पूरे होशोहवास में थी। लिफ्ट के अंदर जाने के बाद 2-3 मिनट में तुमने मकरंद को मार डाला और फिर तुम खुद बेहोश हो गई। यही हुआ ना? नहीं सर। यही हुआ ना? तुम्हारे हाथ पर गन पाउडर के अंश मिले पूर्वी। सर मेरे हाथों पे? हाँ, मकरंद पर गोली तुमने ही चलाई है। नहीं सर, मुझे बस इतना याद है कि हम लोग लिफ्ट के अंदर गए। जैसे ही लिफ्ट में अंधेरा हुआ, मैंने गन निकाली। ए, जल्दी दे, गन दे मेरे का। जैसे ही गन मैंने मकरंद की तरफ बढ़ाई, लिफ्ट में जोर से धक्का लगा और मेरा सर लिफ्ट की वॉल से टकराया। उसके बाद कुछ याद नहीं सर। सर, डीसीपी चित्रोले साहब का बार बार फोन आ रहा है। हम गई भैंस पानी में, अब निपटो इससे। डालो क्या? यस सर। वो गोली कहाँ है जैसे इस मकरंद का खून हुआ है? अब वो सर, ये आप कैसे कह सकते हैं कि खून हुआ है? क्यों, एक छोटी सी लिफ्ट में 2 लोग हैं, एक को मार दी गोली, तो इसे क्या कहेंगे आप? उस लिफ्ट में क्या हुआ ये किसी को भी नहीं मालूम। अच्छा, लग गए पूर्वी को बचाने में? ऐसा कुछ नहीं है सर, मैंने पूर्वी को डिटेंशन में लेने का ऑर्डर दिया है, समझे आप? मत बता, तू कहाँ है वो कुल? सर वो तो ये वो तो क्या है, फिर घुमा रहा है? नहीं सर, मैं घुमा नहीं रहा हूँ, सिंपल सी बात है सर, गोली नहीं मिली। गोली नहीं मिली? नहीं, गोली मिली ही नहीं। नहीं। क्यों नहीं मिली? लिफ्ट कितनी बड़ी है प्रद्युमन जी? 5x6 फुट। 5x6? 5x6 के लिफ्ट में गोली नहीं मिली? ये हो क्या गया तुम लोगों को? ये अभिजीत तो है, क्या हुआ, गोली नहीं मिली? ढूंढ रहे हैं सर, मगर अभी तक गोली मिली नहीं। ढूंढ रहे, अभी तक नहीं मिली। सच सच बता। हाँ सर। सच सच बता, पूर्वी ने मकरंद का खून किया है या नहीं? सर गोली 700 से 800 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ती है सर, और जिस वेलोसिटी से आगे बढ़ती है उससे सिर्फ इतना बता दे, पूर्वी ने मकरंद को मारा है कि नहीं? सर आप मारने की बात करते हैं? सर अगर कोई किसी की तरफ एम करता है तो उसके पैरों की दूरी 2 फीट होनी चाहिए और हाथ जमीन से 4 फुट की दूरी पर होना चाहिए, और E=mc² ये तो आप जानते हैं, तो जिस एनर्जी के साथ mc² के बच्चे घुमा रहा है, मेरे दिमाग का हलवा बना रहा है, तब बचाने में लगे हुए पूर्वी को है, मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं तो डमी पर गोली चलाने वाला था ना? हाँ सर। देख मैं कैसे पता लगाता, मैं खुद ही पता लगा लूंगा। हेलो के साथ कहाँ लगी गोली मकरंद, क्या बताया आपने? सर एक कान में लगी और दूसरे कान से बाहर निकल गई। एक कान पे लगी और दूसरे कान से निकल गई? यस सर। है ना, तो इसका मतलब है पूर्वी पूर्वी ऐसे खड़ी होगी बराबर? राइट सर। हाँ आप भूल रहे हैं, खून जमीन पे था। सालों के गन लोड करके रखे हो ये, बताया भी नहीं। सर वो मैं टेस्ट करने वाला था ना सर, हार्ट फेल हो गया सर,
हार्ट फेल तो हम लोगों का हो गया था सर। चल जाते जाते आप तो बता दे पूर्वी ने मकरंद का खून किया है कि नहीं। सर गोली मिलते ही बता दूंगा सर। अरे गोली ऐसे गायब हुई है जैसे गधे के सिर से सींग। आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब इस लिफ्ट से हम लोग गोली नहीं ढूंढ पाएंगे क्या है? अरे यार क्या बात करते हो अभिजीत, तुम लोग बाल की खाल निकाल सकते हो, गोली क्या चीज है? क्या हम ऊपर चल के जाएंगे? मेरा घर तो 15वें फ्लोर पर है, वहाँ पहुँचते पहुँचते तो मेरी जान निकल जाएगी। दूसरी लिफ्ट भी बंद है, ऊपर कैसे जाएंगे? आप लोगों ने लिफ्ट रिपेयर क्यों नहीं करवाया? वो लिफ्ट का टेक्नीशियन आया था मगर वो जाने क्या करके गया कि जब से वो आया तब से बंद है। उसका नंबर होगा ना तुम्हारे पास। मगर ये गोली लगी है तो लगी कहाँ डॉक्टर साहब? यहाँ आकर के लगी है गोली अभिजीत, ये देखो ये छेद एकदम सीधा है, गोली यहाँ आकर के लगी है। डॉक्टर साहब आपका कहना है कि गोली मकरंद के कान को चीर के सीधे नीचे गई है, तो इसका मतलब मकरंद टेढ़ा खड़ा था क्या? हाँ बिल्कुल, मकरंद ऐसे खड़ा हुआ, उसने पूर्वी कर देखा, पूर्वी ने यहाँ से गोली चलाई, मकरंद के कान को चीरती हुई गोली सीधी यहाँ। अरे डॉक्टर साहब पूर्वी नीचे गिर गई थी, वो बेहोश हो गई थी। क्या मालूम पूर्वी सच बोल रही है कि नहीं। कैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, पूर्वी ने गोली नहीं चलाई है वो कह रही है। ये छेद कुछ और कह रहा है, ये गड्ढा बता रहा है कि गोली सीधी यहीं आकर के लगी है अभिजीत। अगर वो टेढ़ा नहीं था तो? अगर मकरंद टेढ़ा नहीं था सीधा खड़ा था तो गोली मकरंद के कान को चीरती हुई यहाँ कहीं आकर के लगनी चाहिए। यहाँ देखो यहाँ कहीं कुछ है क्या? ओ ये रहा गड्ढा सर। ओ लेकिन अभिजीत देखो ये गड्ढा टेढ़ा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये गोली यहां लगी, जमीन से रिकोशे होकर के यहां आकर के टकराई यहां। तो फिर यहां से रिकोशे हुई होगी? यहां से गोली रिकोशे होकर के सामने की तरफ गई, ये देखो। और यहां पे लग के गोली कहीं और निकल गई। अभिजीत ये छेद ऊपर की तरफ है टेढ़ा, इसका मतलब गोली रिकोशे होकर के ऊपर की तरफ छत की तरफ निकल गई। मतलब गोली फैन की तरफ गई है बाहर? बिल्कुल। पंकज जरा एक स्टूल लेके आओ। ये रही डॉक्टर साहब आपकी बुलेट। बस ये गोली 9mm की है। 9mm? पूर्वी की गन भी तो 9mm की है। सर इसका मतलब पूर्वी ने ही मकरंद को मारा है। पूर्वी चलो मान लेते हैं कि तुम्हें कुछ याद नहीं है। जी सर। तो फिर मान लेते हैं कि गोली चलाने के बाद आदमी बेहोश हो जाता है। जी। नहीं सर। तो फिर गोली चलाने से पहले तुम बेहोश हो गई? जी सर। तो मान लेते हैं कि बेहोशी में तुमने गोली चलाई। ये किस तरह का सवाल है सर? ये पूर्वी बेहोश थी जब गोली चली है ना पूर्वी? सर अब जबरदस्ती उससे कहलवाने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्वी तुम बेहोश थी ना जब गोली चली? जी सर। जब तुम बेहोश थी तो गोली तुमने चलाई कैसे? सर मैंने गोली नहीं चलाई। तुमने नहीं चलाई तो फिर तुम्हें मालूम कैसे हुआ कि गोली चली है? क्योंकि सर जब मैं बेहोश थी तो मैंने गोली चलने की आवाज सुनी। सुना एसीपी साहब? पूर्वी बेहोश थी मगर इतनी बेहोश नहीं थी।
गोली चलने की आवाज तो आई, मगर गोली मैंने नहीं चलाई। सर प्लीज एक मिनट। पूर्वी, तुमने हॉस्पिटल में बताया कि जब तुम लिफ्ट में बेहोश थी तो तुम्हारे हाथ में से कोई कुछ निकालने की कोशिश कर रहा था। हाँ सर, ऐसा लगा था। तब तुमने ये नहीं बताया कि तुमने बेहोशी में गोली चलने की आवाज सुनी थी। सर, उस वक्त मुझे याद नहीं था। इस केस का नाम होना चाहिए मुझे याद नहीं। सर ये एक सीआईडी ऑफिसर की इंसल्ट है सर। ओए, खून कैसे हुआ याद नहीं, गोली कैसे चली याद नहीं, लाश कहाँ थी याद नहीं, तुम कहाँ थी याद नहीं, मकरंद कैसे मरा याद नहीं। Stop it! Please stop it! ये कोई मजाक चल रहा है इधर? उनका मजाक उड़ा रहे हैं आप जैसा एक सीनियर ऑफिसर? अरे इसमें चित्रोले का क्या कसूर है? उसको भगवान ने ज्यादा अक्कल दी है। हाँ वो तो दिख रहा है। पूर्वी, तुम्हें लिफ्ट के अंदर जाने के बाद का कुछ याद नहीं है, उसके पहले का तो याद होगा। इतने आंसू, ये लो। कितने बजे थे जब तुम लिफ्ट के अंदर घुसी? 12:40। 12:40, ये याद है? ये याद है? इतना कैसे याद रह गया? क्योंकि सर, जब मकरंद ने मेरे सर पर गन रखी थी तो मैंने उसकी घड़ी देख ली थी, उसमें 12:40 हो रहे थे। एग्जैक्टली 12:40? हाँ सर, 12:40। 12:40 पे लिफ्ट के अंदर घुसे, 3-4 सेकंड में लिफ्ट चलने लगी। 18 फ्लोर पहुंचने के लिए 40 सेकंड लगते, ये बात अभिजीत ने और दया ने पता लगाई है ना दया? हाँ सर, 40 सेकंड में लिफ्ट 18 फ्लोर पे पहुंच गई। उसके बाद 3 सेकंड के बाद 19 फ्लोर पे पहुंचने वाली थी। और फिर तो लाइट ऑफ हो गई थी सर। लाइट चलेगी, उसका मतलब है 43 सेकंड में लाइट चलेगी। 43 सेकंड में पूर्वी ने अपनी गन निकाली थी ना पूर्वी? जी सर। 43 सेकंड में पूर्वी ने अपनी गन निकाली, मकरंद को मारा, लिफ्ट को धक्का लगा, पूर्वी नीचे गिर गई। सर, पूर्वी के सिर पे चोट लगी थी, वो बेहोश हो गई। सर, मैंने गोली नहीं चलाई सर, नहीं चलाई सर। तुम्हारी गन में से गोली चली थी? नहीं। तुम्हारी गन में से गोली चली थी पूर्वी? सर। गोली चली थी कि नहीं? चली थी। पूर्वी की गन में से गोली चली थी। गोली चली थी ना? पूरी रिलैक्स, शांत हो जाओ। सर ये ठीक नहीं है सर। आप अभी ये इंटरोगेशन यहाँ पे रोक दीजिए सर, प्लीज। एक मिनट, गोली बेहोश होने से पहले चली थी? बेहोश होने से पहले कब? 3 दिन पहले। अरे सर, क्या क्या हुआ? मैं कहाँ हूँ? आप ब्यूरो में। कुछ याद तो नहीं आ रहा है। पूर्वी, गोली 3 दिन पहले चली थी। सर, 3 दिन पहले चली हुई गोली 3 दिन के बाद आके लगी मकरंद को लिफ्ट में। वाह, व्हाट अ गोली। सर, गोली 3 दिन पहले घर में चली थी। अच्छा, वो रिवॉल्वर मैंने रखी थी और वो गिर गई और उसमें से गोली चल गई सर। तो फिर अड़ोस पड़ोस में किसी ने सुना नहीं? सुना था सर, वो लोग आए भी थे और मैंने उनसे कह दिया कि प्लग से स्पार्क निकला था। उनको बताया, मगर एसीपी साहब को नहीं बताया। वाह, गलती हो गई। नहीं, कोई गलती नहीं हुई है। 10 लाख रुपए तुम्हारे बैंक में आ चुके हैं। किसी ने तुम्हें कहा है मकरंद की हत्या करने के लिए, और मकरंद का खून लिफ्ट में ही हुआ है और तुम्हारी गोली से ही हुआ है। पूर्वी,
गोली मिल गई है 9 mm सेम कैलिबर एज ऑफ योर गन। लेकिन सर सारुख साहब ने कहा है ना कि कह नहीं सकते कि ये गोली पूर्वी की गन से चली है कि नहीं। तुम सब लोग इस पूर्वी को बचाने में लगे हो और वो सारुख है वो भी मिला हुआ है। छोड़ूंगा नहीं तुम सबको। सर पूर्वी ने गोली चलाई है या नहीं ये अलग बात है, लेकिन लिफ्ट रुकी अपने आप, धक्का लगा अपने आप, लाइट ऑफ हुई लाइट ऑन हुई अपने आप, लिफ्ट नीचे भागी अपने आप सर अपने आप, इतना सब कुछ अपने आप कैसे हो गया? ये देखो सर, अचानक लिफ्ट का कंप्यूटर ऐसे कैसे खराब हो सकता है कि सारे काम अपने आप करने लगा वो? लाइट ऑन लाइट ऑफ रुकी चली भागी कैसे? क्या मतलब? मतलब क्या? मतलब ये है सर कि ये सब किसी ने किया है। सर लिफ्ट को चीर फाड़ के देखना पड़ेगा। सर डीसीपी सर ने क्या मस्त डांस किया ना ब्यूरो में? याद नहीं याद नहीं। अरे यार ये कबूतर की तरह लुढ़कने को तुम डांस कहते हो? एक लंगूर भी उनसे अच्छा डांस कर सकता है। ये लिफ्ट अपने आप रुकी कैसे? और अपने आप चल भी दी। हाँ एक बार रुक गई तो रुक जाना चाहिए था। लाइट्स भी ऑन ऑफ हुई। वही तो, अगर पूर्वी की बात माने उसने जो कहा उस हिसाब से उसने गोली नहीं चलाई है। अगर पूर्वी ने गोली नहीं चलाई तो फिर गोली आई कहां से? गोली तो ऊपर से ही आई है। लिफ्ट के ऊपर चढ़कर देखते हैं। जीत कांच के टुकड़े पड़े हैं। लेंस? हाँ लेंस, ये किसी लेंस का टुकड़ा है। इस पे धूल भी नहीं, इसका मतलब ये आजकल में लगाया गया है क्या? ये लेंस किसी छोटे कैमरा का होगा। यहाँ पे कैमरे का लेंस? यहां पे कैमरा लगा था क्या? लो भाई मामला एकदम साफ है। देखा केबल पे क्लिप्स? देखते ये केबल पे क्लिप लगा रखी थी। यहाँ पे कुछ लगता है क्लिप के साथ बांध रखा था। और यहाँ से लिफ्ट भी एकदम साफ साफ दिख रही है। एक एक मिनट एक मिनट, ये क्या? संभाल के इस क्लिप के साथ यहां पे एक गन लगा रखी थी और गन के ऊपर कैमरा, तो गोली यहां से चली है और गोली चलने के बाद किसी ने वो कैमरा और गन ऊपर खींच लिया। मकरंद मारा गया, गन गायब और कैमरा भी। हंस गई बेचारी पूर्वी। इस चीज में वो गन और कैमरा लटका हुआ था और ये जब ऊपर जाके केबल से टकराई होगी तभी लिफ्ट में झटका लगा था। मकरन का खून पूरे प्लानिंग के साथ किया है। कैमरे में देखा मकरन कहाँ है तो रिमोट कंट्रोल से गोली चला दी। कोई कहीं पे बैठ के देख रहा था कि
लिफ्ट के अंदर क्या हो रहा है। उस वक्त इस मकरन के गार्ड्स वो कहां थे? सर हमने मकरन साहब का खून नहीं किया। हाँ सर, ये सच कह रहा है, हम तो सिर्फ उनके बॉडीगार्ड हैं सर। चुप! मकरन की मौत के बाद तुम दोनों गायब थे। हम लोग डर गए थे, हमें लगा कि बॉस को टक्का दिया, अभी हमारा नंबर है, इसलिए हम भाग गए सर। अच्छा, चलो जरा आगे आके देखो। हम लोग दूर से ही समझ गए हैं सर। मैंने कहा आगे आके देखो, चलो। ये यहाँ पे M, D और K क्यों लिखा हुआ है? सर हम लोग मामूली बॉडीगार्ड हैं सर। M, K, D क्यों लिखा हुआ है? क्या ये? M से मकरंद है सर, और K से खुद्दर। और T? T का क्या मतलब है? T से टटालिया सर। टटालिया? टटालिया, बड़ा पहुंचा हुआ बदमाश है। मतलब मकरन, खुद्दार और टटालिया, तीनों ने शहर को बांट लिया है। कौन है आदमी? ये आदमी भी उसी सोसाइटी में रह रहा था और इसकी फोटो हमने वहीं पे ली सर। ये टटालिया का आदमी है सर, इससे हमारी जान को खतरा था सर। अब मकरन साहब ने बोला था इसकी छुट्टी कर दो। ये कौन है? ये इसका नाम रौनक है सर, बोरीवाली में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये वही पढ़ता है। कौन सी कॉलेज में पढ़ता है ये? डीएक्स कॉलेज में सर। तो फिर इस डीएक्स इंजीनियरिंग कॉलेज के रौनक से मिलना पड़ेगा। रौनक और इस टटालिया और खुद्दर दोनों को उठा। मिले हो कभी से? नहीं। 2 महीने से दो आदमी तुम्हारा पीछा कर रहे थे। मेरा पीछा? तुम्हारे पीछे 2 महीने से लगातार तुम पे निगाह रखे हुए थे वो। हाँ सर, मैंने एक दो बार उनको देखा भी है, मगर मुझे लगा नहीं था वो मेरा पीछा कर रहे हैं। ठीक है, लिफ्ट के बारे में तुम इतनी छानबीन क्यों कर रहे हो? 4-5 से भी ज्यादा स्केचेस पड़े हो वहां पे। सर लिफ्ट में जो केबल्स होते हैं आपको तो मालूम ही होगा, 2 केबल्स होते हैं जो लिफ्ट के ऊपर और नीचे ले जाने का काम करते हैं। 2 मोटे मोटे केबल्स, मजबूत स्टील की केबल्स सर। उन केबल्स को कैसे इम्प्रूव किया जाए उसकी स्टडी कर रहा हूँ मैं। तो लिफ्ट को कैसे कमजोर किया जाता है वो भी मालूम है तुम्हें? मालूम है या नहीं? 2 महीनों से मकरंद तुम्हें ढूंढ रहा है और मकरंद की मौत हो जाती है लिफ्ट के अंदर और लिफ्ट का केबल कोई खराब कर देता है। सर मेरा यकीन मानिए आप, मैंने मकरंद को देखा तक नहीं। सर स्केच में जो लिफ्ट का डिजाइन है इसका मैकेनिज्म मकरंद की बिल्डिंग के लिफ्ट के मैकेनिज्म से मैच करता है। और सर ये देखिए, ये टूल बॉक्स है, इसकी जगह भी वो पिस्टल फिट की गई होगी। पिस्टल? सर पिस्टल कैसे आ सकती है? ये मेरा प्रोजेक्ट है, मेरे एग्जाम का प्रोजेक्ट। ये बॉक्स एक टूलकिट है, जब कोई आदमी लिफ्ट में फंस जाता है तो उसकी मदद कैसे की जाएगी? ये है वो, हम दूसरे केबल से ये टूल बॉक्स को उस आदमी तक के पहुंचा सकते हैं, जिससे उसको रिपेयर करके वो बाहर आ सकता है। लगता है ये प्रोजेक्ट या आइडिया चुरा लिया किसी ने। और कौन कौन जानता है इसके बारे में? सर मेरे टीचर और उस लिफ्ट कंपनी को जिसको मैंने बेचा है। किसको बेचा है तुम्हें? कैंटोना मोटर्स। कैंटोना मोटर्स? सर रौनक के पास से हमें हूबहू वैसा ही स्केच मिला है सर, जैसा मकरंद की बिल्डिंग के लिफ्ट का मैकेनिज्म है सर। क्या सर ततालिया और खुद्दर के बारे में पता चल गया है?
खुद तो मजा ही आ गया। मकरंद खुद ब खुद मारा गया और उसके खून में हमारे हाथ गीले भी नहीं हुए। उस सीआईडी वाले ने उसका खून कर दिया। वाह। मकरंद अपने पैसों के बल पे हमारी छुट्टी करने चला था। टेटालिया, अब ये सारा शहर हमारा है, आधा तुम्हारा आधा मेरा। लेकिन एक गड़बड़ हो गई है कुत्तर। मकरंद को मारने के लिए जिस तीतर को हमने वहां पर रखा था ना, उसने उस सीआईडी वाली से बात करने की कोशिश की थी। फिर क्या, सीआईडी वाले कभी भी यहां पहुंच सकते हैं। उन लोगों को जिंदा रखना ठीक नहीं होगा। हाँ बोल। सर वो गन वाले आ गए, क्या करूं? एक मिनट, गन वाले आए, क्या करें? लेकिन ये तो 3 बजे आने वाले थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या करें, वापस भेज दें? नहीं, चला गए तो बोल दे अंदर आने को। लेके आना उसे। हेलो, आओ। हेलो मायन। अरे अरे, तुम दोनों क्यों खड़े? बैठो, अपना ही नाइट क्लब है। हाँ हाँ, बैठो बैठो। अब तो मज्जा ही मज्जा है, सब जगह खबर फैल चुकी है। दो दो बॉडीगार्ड हमेशा रहते थे उसके साथ चिपके, उसके बाद भी आपके आदमियों ने उसे मार दिया। कमाल का पावर है आप दोनों में। ये खबरें फैला कौन रहा है? झूठी खबरें? अरे ये झूठी नहीं, सच्ची खबर। तुम यहां पर गन बेचने आए हो या हमारी चड्डी उतारे? चल खड़ा हो, खड़ा हो। टटाली जी, गलती हो गई हमसे। वो क्या है कि जिधर भी हम जाते हैं हर गैंग को गन सप्लाई करते हैं, लेकिन हर जगह एक ही बात है कि मकरन मारा गया। हाँ तो बरक बरक, तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि खोपड़ी में छेद कब हो गया, समझे? हम लोग सीआईडी से जिन लोगों को अंदर बंद करके रखा है, बाहर निकालो। सुनो, नहीं क्या कहा उन्हें? बाहर बुलाओ ना। अबे बुलाना, लेके आ, लेके आ उस, चल लेके आ, चल चल। तुम लोग बोलोगे कि तुम उस रौनक को भी नहीं जानते, उसका नाम तक नहीं सुना है जिसने उस लिफ्ट का डिजाइन तैयार किया था। ये रौनक कौन है? अरे सर, हम तो 5वीं पास हैं, हमें लिफ्ट के बारे में क्या समझेगा? तुम दोनों तो गुंडे हो ना, तो तुम्हें सोसाइटी में रहने किसने दिया और बिना पुलिस वेरिफिकेशन के सोसाइटी में जगह कैसे मिली तुम्हें? सर, हमारा वसीला सोसाइटी में जेट है। अपने ऑफिसर को बचाने के लिए ड्रामा है ये? ड्रामा तो अब होगा, ड्रामा देखना है? आप लोगों ने सोसाइटी में गुंडों को पनाह दे रखी थी। जरा सोच समझ कर बोलिए सर। सोच समझ के बोलना हो, समझे आप? जब भी कोई नया टेनेंट आता है सोसाइटी में तो आप लोग चेक करते हैं ना कि वो चोर बदमाश तो नहीं है, करते हैं ना? हाँ हाँ करते हैं, हमारी सेक्रेटरी करते हैं। क्यों सेक्रेटरी साहब?
सारे पेपर्स को अच्छी तरह से देखने के बाद ही किसी को यहाँ सोसाइटी में रहने दिया जाता है ना? हाँ, और क्या? इन दोनों को देखिए, पहचानते हैं ने? हाँ, ये तो 9th floor पर रहते हैं। जी हाँ, यहीं रहते थे। माने हुए गुंडे हैं ये, पर यहाँ इसलिए रह रहे थे कि मौका मिलते ही मकरन का खून कर सके। आपके सोसाइटी में से किसी ने पैसे खाए हैं और इन बदमाशों को यहाँ इस सोसाइटी में रहने दिया। किसने? 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 इसने। कौन बोलता है ये? आप इस तरह से मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते। हमने इन्हें सब बता दिया है। झूठ बोलता है ये। 5 लाख रुपए लिए थे। 5 लाख रुपए के लिए हम सबकी जान खतरे में डाल दी? आपका थप्पड़ खा के नहीं बोलेगा ये। दया सर का एक थप्पड़ पड़ेगा ना तो सारी कहानी सुनाना शुरू कर देगा ये। इसने कहा था सर मुझे। मैंने? हाँ, तुम्हें कहा था इन गुंडों को यहाँ रहने दो। झूठ बोल रहे ये। मैं इस सोसाइटी की चेयरपर्सन हूँ, मैं ऐसा काम क्यों करूँगी? झूठ ये नहीं आप बोल रही हैं। आपने इन गुंडों को यहाँ पे रखा था, आपको मालूम था ये लोग मकरंद को मारने आए। क्यों मरवाया मकरंद को? मकरंद? मकरंद को तो मैं जानती तक नहीं। अच्छा, रौनक को तो जानती हैं। रौनक कौन है? वो कौन है? रौनक वो आदमी है जिसे तुमने वो डिजाइन खरीदा, जिसकी मदद से खून हुआ है लिफ्ट के अंदर। क्या बकवास है ये? बकवास? मिस आयशा, हेड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑफ लिफ्ट्स एंड मोटर्स ऑफ कैंटोना मोटर्स ऑफ पुणे, बराबर? हाँ? आपने वो डिवाइस रौनक से खरीदा, लिफ्ट में ऊपर लगवाया और जिसमें से गोली चली और मकरंद मारा गया, क्यों? अरे बाप रे, मैंने तो दूध रखा था उबलने के लिए और अब हमारा गुस्सा उबल जाएगा। मुझे मकरंद को मारना पड़ा और कोई चारा नहीं था। उसकी बॉडीगार्ड लिफ्ट में नहीं होते थे, इसलिए मैंने उसको लिफ्ट में मारा। इंस्पेक्टर पूर्वी भी थी वहाँ पे, उसे कुछ हो जाता तो? मुझे नहीं मालूम था कि वो भी वहाँ होने वाली है। मगर मकरंद को मारा क्यों तुमने? मकरंद मेरा कजिन था, वो ड्रग स्मगलर बन गया था, वो ड्रग का बादशाह बन गया था और वो रौनक को भी उसी काम में फंसाना चाहता था। और रौनक से क्या रिश्ता है तुम्हारा? रौनक मेरा भतीजा है। तुमने एक सीआईडी ऑफिसर को खून के जुर्म में फंसाने की कोशिश की और खून भी किया, तुम्हें तो शायद फांसी ही होगी। पूर्वी, मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उन बदमाशों ने कबूल कर लिया है कि उन्होंने जानबूझ के बैंक में तुम्हारे नाम पे 10 लाख रुपए जमा कराए थे। खैर, वो 10 लाख रुपए तो वेलफेयर फंड में चला गया। वेलफेयर फंड? अरे वेलफेयर फंड, पुलिस वेलफेयर फंड। पुलिस वेलफेयर फंड हो। मगर अब पता चल ही गया है कि मकरंद का खून तुमने नहीं किया है, तो मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। तुम्हें सीआईडी में वापस लिया जाता है। मगर सर, इसमें दुख की क्या बात है? वो क्या है ना पूर्वी, कि जब भी कोई अच्छी बात होती है तो चित्रोले साहब को दुख ही होता है। अरे प्रदुमन, ये ठीक नहीं है। तो भी चित्रोले साहब बताइए ना, आपको कब कब खुशी हुई थी? अरे वो अभिजीत का प्रमोशन। अभिजीत का प्रमोशन? नहीं। दया, वो तुम्हारी शादी? अभी तक तो नहीं हुई सर। नहीं सर। वो फ्रेडी, वो तुम्हारा बर्थडे? मेरा बर्थडे? नहीं।
अरे नहीं याद आएगा सर, क्योंकि दूसरों की खुशी देखकर आपको सिर्फ दुख ही होता है। ब्रदर मन, मुझे डिसिप्लिन देखना पड़ता है, डिसिप्लिन। हाँ ये बात तो है, और शायद इसीलिए मेरा चेहरा रोने जैसा हो जाता होगा। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सीआईडी, अंडरस्टैंड? डिसिप्लिन मींस चित्रोले, एंड चित्रोले मींस डिसिप्लिन। या डिसिप्लिन मींस चित्रोले। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।